अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे पाव भाजी। इसके लिए हमें चाहिए, हमने 300 ग्राम फ्रेश टमाटे लिए हैं ब्रेड, इसे हम बाद में कट्स लगा के इसे गैस पे भून लेंगे और इसका सिर्फ छिलका निकालना है हमें, इसे बॉईल नहीं करना है, इसका सिर्फ हम छिलका निकालेंगे और इसे बाद में बारीक चॉप कर देंगे। और हमने 250 ग्राम फूल गोभी लिए हैं जो हमने इस तरह से रफली काट ली, और पावसर हमें बैंगन लगेंगे, हमने पावसर बैंगन लिए हैं, और 300 ग्राम हमने आलू लिए हैं, आलू को भी हमने छील दिया है। बैंगन, आलू और गोभी हम एक साथ बॉईल कर लेंगे, इसमें थोड़ा सा तेल नमक डाल के इसे बॉईल कर लेंगे, फिर बाद में इसे हम मिक्सर में पीस लेंगे। और टमाटो को हम बाद में बघार में बारीक चॉप करके इसका छिलका निकाल के चॉप करके बघारेंगे। और हम आधे ये हमने 250 ग्राम बटाने लिए हैं ये मटर के दाने, तो इसमें से हम आधा कप निकाल लेंगे और आधा बाकी के हम गलने में डाल देंगे आलू गोभी और बैंगन के साथ। और शिमला मिर्ची को भी बारीक काट लेंगे बटानों के साथ। शिमला मिर्ची और बटाने हम पानी में बॉईल करके इसका पानी फेंक देंगे, फिर हम इसे हल्का सा फ्राई करके पूरी सब्जी बने बाद हम उसमें पाव भाजी हमारी जब तैयार हो जाएंगे आखिर में हम बटाने और शिमला मिर्ची मिलाएंगे। और ये पत्ता गोभी हमने बस 1.5 कप लिया है हमने, ये इसे रफली ही काट लिया था इसे, तो हम ये भी आलू फूल गोभी बैंगन एक साथ गला लेंगे कुकर में डाल के। और मसालों में हमें पाव भाजी बघारने के लिए हमें लगेगा, हमने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 1.5 टेबल स्पून हमने तेज और कश्मीरी मिर्ची ली है, और बिल्कुल 1/2 टीस्पून हमने जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, और 1.5 टेबल स्पून हमने पाव भाजी का एवरेस्ट का पाव भाजी का मसाला लिया है। तो हम सबसे पहले ये सब्जियों को बघार लेंगे, सबसे पहले हम सब्जियों को उबाल लेंगे एक कुकर में। तो चलिए एक कुकर में पूरे सब्जियों को उबाल लेंगे, टमाटे फिर हम भूनकर उसको छिलका निकाल कर इसके बारीक चॉप कर लेंगे। उस तरह से हमने इसे रफली मोटा मोटा बैंगन को आलू को काट लिया है इसमें सब कुकर में। हम इस तरह ये गोभी और ये पत्ता गोभी और इसमें से हम आधे बटाने डाल देंगे और आधे हैं तो हम बाद में बॉईल करके आखिर में डालेंगे। फिर इसमें थोड़ा सा एक आधा टेबल स्पून उतना मीठा तेल डालें और सब्जियां डूबे उतना हम इसमें पानी डालेंगे। बस 1 लीटर उतना हमने इसमें पानी डाला है और नमक 1 से 1.5 टेबल स्पून उतना नमक और 1 टेबल 1/2 टीस्पून हम शक्कर डाल दें ताकि हमारी सब्जियों का कलर फ्रेश रहे। तो चलिए अब इसे हम गलने के लिए 2 से 3 सीटी होने तक इसे गलने दें। ये इस तरह से हमने टमाटो को एक छुरी की मदद से गैस पे भून लिया था और उसका छिलका निकाल के इसे अब हम बारीक चॉप कर देंगे। तो चलिए हम पाव भाजी को इसे बघारेंगे। सबसे पहले हम एक भगोने में ये 2 से 3 टेबल स्पून उतना तेल डाल देंगे, 3 से 4 टेबल स्पून उतना हमने तेल डाला है क्योंकि हम बाद में इसमें बटर भी डालने वाले हैं। फिर सबसे पहले हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे इस तरह से, सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। उसके बाद फिर हम ये मिर्ची पाउडर इस तरह
और फिर जीरा पाउडर और धनिया पाउडर डाल देंगे। टमाटर गलने के बाद पाव भाजी मसाला डालेंगे हम। तो ये टमाटर को हमने इस तरह से चॉप कर दिया था, ये डाल देंगे। नमक डाल देंगे, नमक अभी हम इसमें बिल्कुल आधा टीस्पून डाले हैं, बाद में हम चक्कर और लगाकर हमें डालेंगे जब हम सब्जियां, क्योंकि हमने सब्जियों में भी बॉईल होते वक्त नमक डाला था, तो इसलिए अभी हम बाद में चक्कर डालेंगे। और हल्दी पाउडर बिल्कुल आधा टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे हम। अब इसे हम गलने तक 5 से 6 मिनट तक इसे ढक कर इसे गलने देंगे, कि अच्छे से जब हमारे टमाटर अच्छे से गल जाएंगे तो उसके बाद फिर हम सब्जियों को मिक्सर में पीस लेंगे, फिर उसके बाद इसमें डाल देंगे। ये टमाटर हमारे 5-6 मिनट से हमने इसे ढक कर पका लिया है, ये अच्छे से गल गए। हम इसे अच्छे से इस तरह से चमचे की मदद से अच्छे से इसे घोट लेंगे, मैश कर लेंगे इसे अच्छे से। इसके बाद हमने इस तरह से गोभी, आलू और बैंगन और मटर के दानों को इस तरह से बारीक पीस लिया है। इसे हम बाद में टमाटर अच्छे गलने के बाद इसमें हम डाल देंगे। इसे अभी और 2-3 मिनट पकने देते ढक कर, फिर इसके बाद हम इसमें ये बॉईल हुए हुए सब्जियां डाल देंगे। ये अच्छे से हमारे टमाटर 2-3 मिनट से हमने और इसे पकने दिया है, अच्छे से घुल चुके हैं अब हमारे टमाटर। अब इसमें हम ये सब्जी वाला बैटर डाल देंगे, थोड़ा सा और घोट लेंगे। पहले हमने इसमें नमक चक्कर और डाला है थोड़ा सा, और आधा टीस्पून इसमें नमक पहले भी डाले हमने, अभी और डाले। टोटल हमने इसमें 1 टेबलस्पून इतना नमक डाला। अगर हमें और लगेगा तो हम और चक्कर और डालेंगे बाद में। तो चलिए, ये अब हमारे टमाटे अच्छे से घुल चुके हैं, अब इसमें हम ये सब्जी वाला बैटर डाल देंगे। इस तरह से आंच को हम कम कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे, फिर से 3 से 4 मिनट और पकने देंगे। फिर हमने जो बटाने और मटर के दाने जो रखा था वो हम बॉईल करके रख दिए हमने। इस तरह से हमने एक पानी को गर्म करके इसमें डाल दिया था, इसे निथार कर हम हल्का सा फ्राई करके इसमें मिला लेंगे। थोड़ा 2-3 मिनट पकने के बाद इसमें पाव भाजी मसाला मिलाएंगे। हमने जो सब्जियों का पानी था कुकर में वो भी इसमें डाल दिया है, और ये हम पाव भाजी मसाला डाल देंगे इसमें। और मटर के दाने और शिमला मिर्ची भी इसमें मिक्स कर देंगे थोड़ा हल्का सा फ्राई करके। तो चलिए, इसे हम ढक कर 2-3 मिनट और पकने। चलिए, हम एक पैन में इस तरह से थोड़ा सा बटर डालेंगे, और ये बटाने को हमने निथार दिया है, इसे थोड़ा हल्का सा फ्राई करें। बस हमें इसे हल्का सा ही फ्राई करना है, थोड़ा चुटकी भर, बस चुटकी भर नमक डाल देंगे। अच्छे से फ्राई होने के बाद इसे हमारे पाव भाजी में मिक्स 2 से 3 मिनट तक इसे पकने देंगे। इसमें अब हम ये तले हुए मटर और शिमला मिर्ची डाल, बस हमने हल्का सा फ्राई किया था। इसे
इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। बस इस पे अब हम थोड़ा सा बटर का बगार डालेंगे और लाल मिर्ची का, तो सब 2-3 मिनट पकने देंगे इसे, फिर ये हमारी पाव भाजी तैयार है। हमने एक तवे को अच्छे से गर्म होने दिया, उस पर बटर डाल देंगे इस तरह से। अच्छे फिर हम पाव भाजी डालें। ये तड़का इसमें डाल देंगे, थोड़ी सी मिर्च पर लाल मिर्च का बगार डाल देंगे, इस तरह से लाल मिर्च का बगार डाल देंगे। लीजिए बहनों, ये हमारी पाव भाजी तैयार है। इस पर हमने बटर डाला है और बटर डाल के हमने ब्रेड को सेका है। तो चलिए, हमारी पाव भाजी तैयार है। आप इसे ज़रूर घर में ट्राई कर अपने फ्रेंड को ज़रूर बताएं और मुझे ज़रूर बताएं कैसी बनी थी। अल्लाह।